नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक व वर्ग दो से संबंधित टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग एक व वर्ग दो में OBC को 27% आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हूँ, OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग दो का एग्ज़ाम टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे नंबर मार्क हैं जो गेस्ट टीचर से ठीक हैं। यदि 504 मेरी रैंक है, यदि 27% आरक्षण मिलता है तो सेकंड काउंसलिंग में गेस्ट टीचर के माध्यम से मेरा सिलेक्शन होने के चांस हैं, संभावित हो सकता है। यदि 27% मिलता है, 14% मिलता है तो कोई चांस नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो अब क्या OBC को 27% आरक्षण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो OBC को 27% आरक्षण मिलने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि आरक्षण जो मिलता है वह है आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलता है, जातिगत आरक्षण मिलने के चांस नहीं होती है। और यदि OBC को आरक्षण 27% मिलने का मात्र एकमात्र आसार है वो है जिस प्रकार EWS को केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया, तो इसी प्रकार यदि OBC के लिए एक संविधान के तहत पूर्व प्रारूप बनाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में पारित किया जाता है, तभी OBC को 27% आरक्षण मिल सकता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ अपनी समझ के आधार पर दे रहा हूँ, जो संभावित हो सकती है। अभी मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 90% चांस नहीं मिलने के हैं, 90% चांस नहीं मिलने के हैं, क्योंकि EWS की जो आरक्षण मिला वो अलग पर प्रोसेस से मिला है और OBC का जो आरक्षण है वो अलग प्रोसेस से कोर्ट के अधीन द्वारा है। अब मिल भी मिलने और ना मिलने का चांस कोर्ट पर निर्भर करता है, मैं अपनी समझ के अनुसार बता रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।